नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं शादाब अली और क्रिकेट टुडे में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुशफिकुर रहीम ने अपने बेटे को समर्पित की मैच जिताऊ पारी। रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत को 7 विकेट से पराजित किया। विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने अर्धशतकीय पारी खेल अपनी टीम की रिकॉर्ड जीत में अहम भूमिका निभाई और मैन ऑफ द मैच बने। मैच के बाद बहुत खुश दिख रहे रहीम ने कहा, मैं इस पारी या इस जीत को अपने बेटे को समर्पित करना चाहूंगा। मैं वाकई उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। वह तेजी से बड़ा हो रहा है और वह टीवी पर मुझे पहचान भी लेता है और यह मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मैं अपनी इस पारी को अपने बेटे को समर्पित करना चाहूंगा। बांग्लादेशी कप्तान ने फील्डर्स और गेंदबाजों को दिया इस धमाकेदार जीत का श्रेय। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। टीम भारत के खिलाफ अपनी पहली T20 जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इस जीत पर टीम के कप्तान महमूदुल्ला ने कहा कि उनकी टीम के गेंदबाजों और फील्डर्स ने अपनी टीम के बल्लेबाजों का काम आसान कर दिया। गौरतलब है कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 148 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में मेहमान टीम ने मुशफिकुर रहीम की 60 रनों की नाबाद पारी की बदौलत लक्ष्य को 3 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। राशिद खान ने दिया बड़ा बयान। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान का कहना है कि एशिया कप और विश्व कप टूर्नामेंट के मद्देनजर टीम के लिए हर सीरीज महत्वपूर्ण है। राशिद ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आगामी 6 नवंबर से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे लिए हर सीरीज महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि हमारा विपक्ष कौन है, हमारे खेल का स्तर अभी ऊपर उठ रहा है तो हर सीरीज हमारे लिए अहम होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जारी किया ICC T20 विश्व कप 2020 का पूरा कार्यक्रम। ICC ने 7वें पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2020 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहली बार यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 5 हफ्ते तक चलने वाला यह टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 तक चलेगा। ICC सुपर 12 के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाली टीमों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। ICC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि मेजबान टीम के साथ 9 अन्य टीमों को इस टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश मिला है। इसमें शीर्ष रैंकिंग के पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। ये थी दिन की तमाम अहम खबरें। आप बने रहिए क्रिकेट टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।